Hi everyone, welcome to our channel Tadka. Today we are going to make eggless chocolate cake. It's a very quick and easy recipe. Let's see the ingredients. अब हमें इसके लिए चाहिए एक कप मैदा, 3/4 कप ऑफ शुगर, 3 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ मीठा सोडा, 1/4 कप ऑफ मिल्क, 1/2 कप ऑफ ऑयल, 1/4 कप ऑफ कर्ड एंड 1/4 कप ऑफ हॉट वाटर, जिसके अंदर हम एक सैचे कॉफी का मिलाएंगे एंड वनीला एसेंस. फॉर दिस वी हैव यूज दिस मेजरिंग कप्स. हमने ये मेजरमेंट जो एक मेजरिंग कप्स का लिया है और ये मेजरिंग स्पून से लिया. और अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स ना हो तो आप कोई भी मेजरमेंट के लिए एक कप यूज कर सकते हैं, पर आपने वही कप रखना है हर बार मेजरमेंट के लिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं. इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए, एक स्ट्रेनर चाहिए. सबसे पहले हम इसमें मैदा डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे, मीठा सोडा डालेंगे और बेकिंग पाउडर. ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लेने हैं और स्ट्रेन कर लेने. अब हमने इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया सब. अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग मिक्सी के जार में डालेंगे. अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी के जार में लेंगे. सबसे पहले हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे उसमें हमने शुगर नहीं डाली थी, तो सबसे पहले हम ये मिक्सी के जार में शुगर डालेंगे. उसके बाद हमने इसके अंदर कर्ड, ऑयल, मिल्क, ये सब हमने डाल दिया. अब हमारी रह गई कॉफी और ये हॉट वाटर. ये सीधा डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पहले हम कॉफी को हॉट वाटर के अंदर मिक्स करके इसे, जब ये मिक्स हो जाएगी अच्छे से तब हम इसके अंदर डालेंगे. ये आप देख रहे हो मिक्स हो गई है. नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट. अब इसके अंदर हमने 2-3 बूंदे वनीला एसेंस की डाला. अब एक बार हम इसके मिक्स कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे. चलिए अब मिक्स करते हैं मिक्सी के अंदर. अभी थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसके बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे. वो भी हम एक बारी में नहीं करेंगे, हम इसे दो बारी में मिक्स करेंगे, हाफ हाफ करके. फर्स्ट टाइम हम डाल रहे हैं. इसको मिक्स करने लगे हल्का सा लिड को ऊपर से खुला भी रख सकते हैं, उससे थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन हो जाता है. अब हमारा मिक्सचर तैयार है, तब तक हम अपनी गैस ऑन करते हैं. इसके लिए मैंने मीडियम बर्नर चूज किया है और मैं मीडियम बर्नर पे इसको लो फ्लेम पे हीट होने के लिए रख रही हूँ. इसके लिए आप कुकर भी यूज कर सकते हो, कढ़ाई भी यूज कर सकते हो, कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल हो. और एक जाली रख रही हूँ बीच में ताकि जिसमें हम ब्रेड डाल रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं हम हीट होंगे, ना ही हम इसमें कोई नमक डाल रहे हैं, ना ही हम इसमें सैंड डाल रहे हैं. तो हम एक जाली रखेंगे जिसके ऊपर हम केक वाला बैटर वाला पॉट रखेंगे. एंड अब इसको मैं बंद करके रखती हूँ, इसको 5 मिनट हम गर्म होने देते हैं.
तब तक हम अपने पैन को ऑयलिंग करेंगे। अब हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने केक को पोर करना है, तो इसको पहले हमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो इसके पास मेरे पास ये जो है ये निकल आता है, इसका जो लोअर पार्ट है, अगर आपके पास ऐसा है तो आप ऐसा यूज करिए, नहीं तो आप दूसरी तरह भी इसे यूज कर सकते। तो पहले हम इसकी ब्रशिंग कर लेते हैं। इसको सारी तरफ से ब्रशिंग कर लिया और एक मैंने इसमें आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं या सिंपल पेपर भी इसके साइज का काट कर आप इसके बीच में रख सकते हैं, ताकि जब हमने केक निकालना हो तो वो हमारे लिए इजी रहेगा। हल्का सा ऑयल हम इस पेपर पे भी लगा। अब हम अपना केक का बैटर इसमें डालेंगे। ये देखो जो केक का बैटर है ना, हमेशा पोरिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्लो में गिर रहा है, आप देख रहे हो, ये कभी भी टप टप करके नहीं गिरना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा सख्त है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी या दूध मिक्स कर सकते हो, वो भी रूम टेम्परेचर पे, ठंडा नहीं, फ्रिज का ठंडा नहीं मिक्स करना हमें, हमें रूम टेम्परेचर पे हमेशा मिक्स करना है। तो हमने ये सारा पोर कर लिया। इसको हम एक बार, हमें आपको बबल्स नजर आ रहे होंगे, इसके थोड़े से जो बबल्स हैं इसे इस तरह से अगर हम इसे करेंगे तो इसके बबल्स निकल जाएंगे। अब हम इसे सीधा डायरेक्ट अपने पॉट में रखेंगे। हमारा पॉट जो है ये प्री हीट हो चुका है, गर्म है। अब इसके अंदर हम अपना केक का बैटर रख देंगे। आप इसको जाली के ऊपर अच्छे से रख, और अब आप टाइम नोट कर लीजिए, एटलीस्ट 40 मिनट्स तक आपको इसे खोलने की जरूरत है। आफ्टर 40 मिनट्स हम इसे चेक करेंगे एंड इट विल बी रेडी। अब हमें 40 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे देख लेते हैं खोलकर कि हमारा केक रेडी है या नहीं। और इसे हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम टूथपिक के साथ चेक करेंगे। अगर तुम्हारा टूथपिक ड्राई आएगा तो दिस मीन्स कि ये बिल्कुल बना हुआ है। ये देखो, इसके साथ कुछ भी नहीं लग रहा, दिस मीन्स कि ये बिल्कुल कुक हो चुका है, बेक हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि हमने इसे निकाल लिया है और इसे हम ठंडा होना देंगे, फिर उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। अब हम इसकी वेट करेंगे, जब तक ये पूरी तरह से कूल डाउन ना हो जाए तब तक आप इसे मत निकालिए, नहीं तो ये टूट सकता है। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो चुका है इसको। अब हमारे पास एक, हम कोई भी गिलास या कोई भी आप ले सकते हो डब्बा, उसके अंदर आप थोड़ा सा इसको आप, हम इसको पुश करेंगे और उससे, और ये हल्का हल्का आप साइडों से, आप इसको अगर चाहिए तो आप नाइफ से भी इसको निकाल सकते हैं। ये देखो ये अलग हो गया, बिल्कुल ठंडा है, इसलिए हम इसको आराम से पकड़ कर इसको पीछे से भी, हमने पेपर लगाया था, तो ये हमारा केक रेडी है। इसको आप किसी भी टाइम, बच्चे इसको खा सकते हैं, चाहे टी टाइम स्नैक्स की तरह खाइए, चाहे इसको स्वीडिश की तरह खाओ। और इसका मैं आपको सर्व करने का एक और तरीका बताती हूँ जो आपको काफी अच्छा लगेगा, और आप अपने जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको आप ऑफर कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो कि हमारा केक कितना स्पॉन्जी और मॉइस्ट है। यू कैन सर्व इट लाइक दिस। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी इसे सर्व करने का, जो आपको बेहद ही पसंद आएगा। उसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट चोको चिप्स, चॉकलेट सिरप, मंचीज और वनीला आइसक्रीम। आप एक पीस केक का लीजिए, उसके साथ आप वनीला आइसक्रीम के आप 2-3 स्कूप रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा केक को
गरम करना है तो आप इसे हल्का सा माइक्रोवेव में कर सकते हैं। इसके साथ आप ऊपर से चॉको चिप सर्व डालिए। हर्षी सिरप डालिए। और साथ में हम मंचीज सर्व करें। इसको सर्व करने में आपको भी खुशी मिलेगी और आपके गेस्ट भी जब इसे देखेंगे तो उन्हें भी काफी टेम्पटिंग लगेगा और वो खाना पसंद करेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।